हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन सरोज और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी ट्यूटोरियल्स। दोस्तों अगर आप चाहते हो मेरी तरह मेरे मोबाइल फोन में जैसे है यहां पे मेरे नोटिफिकेशन बार में मेरी खुद की फोटो लगी है, या फिर यहां पे मैं चाहूं तो अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो लगा सकता हूं या फिर अपने फैमिली मेंबर्स की फोटो लगा सकता हूं, यहां पे आप भी चाहो तो अपनी गर्लफ्रेंड या फिर अपनी खुद की फोटो लगा सकते हो। यह दोस्तों सही सुना आपने, इस वीडियो में आपको यही ट्रिक बताने वाला हूं। यहां से आप चाहो अपना ब्लूटूथ ऑन कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो, सारी चीजें यहां पे कर सकते हो, मतलब कि सब कुछ वैसा का वैसा रहेगा, लेकिन यहाँ पे बैकग्राउंड में आपकी फोटो रहेगी या फिर आपकी गर्लफ्रेंड की फोटो रहेगी, जिसकी फोटो आप लगाओगे उसकी फोटो रहेगी। आप पहले देखोगे, अब भी आप अपने मोबाइल फोन के नोटिफिकेशन बार में देखोगे तो ब्लैक एंड व्हाइट जो है आपको दिखाई देगा, जो सिंपल सादा सा रहता है, कोई भी अट्रैक्टिव नहीं लगता, एकदम बेकार सा लगता है देखने में ना। तो ये सेटिंग जल्दी से जल्दी अपने फोन में आप जरूर से जरूर कर लीजिए। चलिए मैं टाइम आपका ज्यादा नहीं लेता हूं, चलिए मैं आपको बता देता हूं कि ये सेटिंग आप अपने फोन में कैसे करोगे, कैसे आप अपने नोटिफिकेशन बार में अपनी खुद की फोटो लगाओगे। चलिए मैं आपको सब कुछ बता देता हूं। दोस्तों वीडियो शुरू करूं उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और यहां पे हमारे इस नए चैनल पबजी की दुनिया को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहां पे पबजी से रिलेटेड सारी वीडियोस आपको देखने को मिल जाएगी और इस बेल आइकन को आपको दबा देना है, यहां पे आप देख लीजिए। उसके बाद नीचे आके आपको एक छोटा सा कमेंट कर देना है पबजी। जी हां दोस्तों, यहां पे आप पबजी लिख सकते हैं, उसके बाद यहां पे आप लिख दीजिए पबजी की दुनिया, उसके बाद आपको जो है ये कमेंट कर देना है। यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं इतना काम आपको कर देना है। तो दोस्तों उसके लिए ना आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा जिसका नेम यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार चेंजर। इसका डाउनलोड लिंक आपको नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके जब आप इसे ओपन करोगे तो आपको बहुत सारे जो है परमिशन देने होंगे, आपको परमिशन अलाउ कर देना है तो ही एप्लीकेशन आपके फोन में काम करेगा। यहाँ पे अभी आप देखोगे तो मेरे जो है नोटिफिकेशन बार में कोई फोटो वगैरह नहीं लगी है, लेकिन मैं आपको अभी लगा के दिखा देता हूं। यहां पे मैं जाता हूं नोटिफिकेशन बार में, यहां पे गो टू कस्टमाइज पे जाना है, उसके बाद यहां पे आपको एक परमिशन ये भी अलाउ करना होगा, तो आपको यहां पे तीनों के तीनों परमिशन दे देने हैं। उसके बाद यहां पे जाना है नोटिफिकेशन थीम्स में, तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक कर दोगे तो यहां पे आपको काफी सारे जो है फोटोज देखने को मिल जाते हैं, इनमें से चाहो तो आप लगा सकते हो। उसके बाद जब आप इसे स्लाइड करोगे तो यहां पे आपको कई सारे GIF भी देखने को मिल जाते हैं, ये भी आप अपने नोटिफिकेशन बार में लगा सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ आप अपनी खुद की फोटो कैसे लगाओगे। तो उसके लिए आपको गैलरी पे आना है और यहाँ से अपनी गैलरी से एक फोटो सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी फोटो आप लगाना चाहते हो। तो यहाँ से मैं एक फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं ये वाली फोटो ले लेता हूँ, यहाँ पे आप देख लीजिए। उसके बाद आप इसे एडजस्ट करके क्रॉप कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए मैंने क्रॉप पे क्लिक कर दिया, उसके बाद ये जो है यहाँ पे आ चुका है। अब मुझे जो है यस के आइकॉन पे क्लिक कर देना है, इतना काम आपको करना है। उसके बाद आपको यहाँ से होम पे आ जाना है। अब आइए मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे नोटिफिकेशन बार में मेरी खुद की फोटो लग चुकी है, यहाँ पे आप खुद देख लीजिए। आपको कुछ करना हुआ नहीं, एकदम सिंपल सा ट्रिक है, आपको जो है एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और जैसे जैसे मैंने बताया वैसे वैसे करते जाना है, उसके बाद यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन बार में आपकी फोटो लगेगी और काफी कूल सा लगेगा, काफी जो है दिखने में भी ऑसम लगेगा। यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं, मतलब कि एकदम यूनिक लग रहा है ना। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप खुद देख लीजिए, एकदम यूनिक लगेगा, कोई भी देखेगा तो बोलेगा भाई आपने कैसे किया है। तो दोस्तों अगर आपको ये एप्लीकेशन और ये जो है ट्रिक पसंद आई तो यार इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और हमारे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, और हो सके तो उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। थैंक यू दोस्तों।